यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। लखनऊ का विवेक तिवारी हत्याकांड अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। इस मसले पर विपक्ष द्वारा योगी सरकार पर लगातार हमला बोला जा रहा है। राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लिया है। सोमवार को जहां बसपा सुप्रीमो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दो कदम आगे निकलकर आए और मृतक के परिजनों से मिलकर संवेदना जाहिर की। इस दौरान उन्होंने कल्पना और विवेक के परिवार वालों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जहाँ दुख परिवार के ऊपर है, वहीं सरकार और पुलिस के लोग छिपा रहे हैं सच्चाई, न जान जाए परिवार। घटना कितने बजे हुई और परिवार को जानकारी कब दी, इसका मतलब तो यही है कि पुलिस कहीं ना कहीं सच्चाई छिपाना चाहती थी। और अगर पुलिस सच्चाई छिपाए तो दोषी कौन है? घटना हुई किस समय, परिवार को जानकारी मिली किस समय, आखिरकार उस समय पर पुलिस के लोग या जो लोग अधिकारी थे उस समय क्या कर रहे थे? क्या घटना को छिपाना चाहते थे? और परिवार को तो यही नहीं पता था कि उनके गोली लगी है। परिवार तो ये समझ रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है।